हेलो डियर स्टूडेंट, राइट, वेलकम। तो अभी हम लोग जो टॉपिक सीख रहे हैं, वेन डायग्राम सीख रहे हैं, राइट। तो क्या क्वेश्चन दिया है, टेक अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर, कौन सा नंबर लेने का, और नेचुरल नंबर 1 to 20, क्या बोला, 1 to 20, और उसको यूनिवर्सल सेट क्या लेने का, यूनिवर्सल सेट मतलब राजा होता है, क्या था वो, राजा। तो जिसमें सब आता, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, ये यूनिवर्सल है, टोटल 20 नंबर है। कितना नंबर है, 20। अभी एक्स है ना, वो तुमको कंडीशन दिया है, क्या बोला है, कंडीशन क्या बोला है, एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर, क्या होना चाहिए वो, नेचुरल, और 7 और 15 के बीच में आना चाहिए, किसके, 7, इट इज शुड बी लेस देन, मतलब मोर देन 7 एंड लेस देन 15, 7 से ज्यादा 15 से कम। तो फिर क्या क्या आएगा लिखने का, तो 7 से ज्यादा कौन है भाई, 8। तो इधर लिखू रहा मैं, देखो एक्स को इधर लिख रहा हूँ, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 नहीं लिखूंगा क्योंकि 15 से कम बोला है, 15 से कम बोला, दरवाजा बंद कर दिया ना ये। तो अभी क्वेश्चन पढ़ो, x चाहिए 7 और 15 के बीच, x चाहिए 7 और 15 के बीच, तो आया ना 7 और 15 के बीच, राइट। हाँ। तो अभी x और u को, किसको, x और u को वेन डायग्राम बनाएंगे, एक क्या बनाएंगे, डायग्राम। तो ये जो बॉक्स है ना उसके ऊपर u लिख दो, क्या लिख दो, u, मतलब 20 नंबर इसके अंदर है, 20 नंबर, और उसके अंदर एक सर्कल बनाएंगे, क्या बनाएंगे, सर्कल, उसको नाम देंगे x, क्या देंगे, अच्छा x में क्या क्या नंबर डालो ना, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ये x है ना, ये पूरे 20 नंबर बॉक्स में आना चाहिए, पूरे 20 नंबर बॉक्स में आना चाहिए। तो पहले लिखेंगे 1, है ना, क्या लिखेंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 नहीं लिखेंगे, 8 लिख दिया ना, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, फिर 15, 16, 17, 18, 19, 20 हो गया तुम्हारा। तो ये वाला मैंने सॉल्व किया, कौन सा पार्ट सॉल्व किया, x, u क्या बोला था, यूनिवर्सल, वैसा बन गया ना। तो 20 नंबर बॉक्स के अंदर है जिसमें से x में ये है, तो x वाला सर्कल में डाला ना मैंने। अभी दूसरा क्वेश्चन पूछा, देखो y वाला पूछा है, y क्या बोला है, belongs to natural number, y is such that y belongs to natural number and y is prime number from 1 to 20, क्या होना चाहिए वो, prime number. भाई prime number क्या होता है भाई, जो किसके टेबल में आता है, खुद के टेबल में आता है। तो इधर लिख देता हूँ, चल बोल भाई, तो y prime number क्या क्या, जल्दी बोल, 2, धीरे धीरे यूट्यूब चालू है, 2, 3, राइट, 4 नहीं आएगा वो, क्योंकि 4 के टेबल में जाता है और 2 के, 4 के बाद, जल्दी बोल, पनवेल जाना है, 5, 7, 7, शाबाश, 9 भी आएगा, 11, थोड़ा इंग्लिश भी बोलते बच्चे लोग, 11 और 13 नहीं इंग्लिश में, 13 राइट है, और 19, 17 भी आएगा ना, 20 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि 20 के भी टेबल में आता है, 4 के भी टेबल में आता है, 5 के भी आता है, वेरी गुड। तो ये क्या हो गया, प्राइम नंबर, जो खुद के टेबल में आता है। अब प्राइम नंबर और यूनिवर्सल, अभी इन दोनों को लेके क्या बनाएंगे हम लोग, वेन डायग्राम बनाएंगे ना। तो ये दिख रहा वाई वाला, तो वाई वाला पार्ट, तो वाई वाला, चलिए काम करता हूँ, इधर ही बना देता हूँ, इधर बनाऊंगा तो ऊपर नीचे हो जाएगा। तो इधर एक बॉक्स बनाएंगे अपन लोग, ऐसा क्या बना देंगे, एक बॉक्स, इधर क्या लिखेंगे, यू, क्या लिखेंगे, यू। तो यू के पहले अपन क्या बनाएंगे, वाई, अंदर क्या बनाएंगे, वाई, एक सर्कल ले लो, इधर वाई बनाएंगे। तो वाई में क्या क्या नंबर डालो, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19, है ना। अभी यू को लिखेंगे, किसको लिखेंगे, यू, 1, 2 नहीं लिखेंगे, क्यों, वेरी गुड, 3 भी नहीं आएगा, 4 है, बोलो 4 के बाद, 6, शाबाश, 8, वेरी गुड, 10, 12, 14, 16, 16, 16 के बाद 18 लिखो, 20, है ना। कुछ छूटा है क्या, 15 में आएगा एक नंबर, और कुछ छूटा क्या, नहीं। तो बॉक्स के अंदर 20 नंबर था क्योंकि वो यूनिवर्सल था, और वाई क्या बोला था, प्राइम नंबर था, क्या था, प्राइम। तो जब वेन डायग्राम बनाएंगे ना, अंदर 20 ही नंबर होना चाहिए और कोई भी नंबर रिपीट नहीं करने का, जो अंदर बाहर नहीं आएगा ना यार। पूरे डब्बे के अंदर कितना होना चाहिए, 20। तो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया तुमने, राइट, वेन डायग्राम में, सिंपल। जो भी ये डाउट है स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी का चेक कर लेना। थैंक यू।